वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अगले क्लिप में देख सकते हैं किस तरह से और उसका गर्दन पकड़ करके और नीचे गिर जाता है। अगले क्लिप में देख सकते हैं ये एक इम्पाला को किस तरह से ये सारे कुत्ते मिलकर और चीर फार करते रहते हैं। इतने में एक तेंदुआ जो है वहाँ पहुँच जाता है और ये सारे कुत्ते उसको छोड़कर दूर भाग जाते हैं और ये फटाफट तेंदुआ उसका शिकार चुराकर और तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है दोस्तों। तो इस चीता को आप जान सकते हैं कि कितना फुर्तीला होता है दोस्तों। इस वीडियो में देख सकते हैं वहाँ तो फुर्ती दिखा गया बेचारा, लेकिन यहाँ गलत फंस गया। सारे शेरनी मिलकर और यहाँ चीते की ऐसी तैसी करने पे लगे हुए हैं और दोस्तों ये चीता आखिरी में अपना दम तोड़ देता है और ये सारे शेरनी मिलकर इसका अपना भोजन बना लेते हैं दोस्तों। अगले ही क्लिप में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये टाइगर जो है इस बंदर का शिकार करने चला था, लेकिन बंदर तो इतना शातिर होता है कि वो पतली सी पतली डाली पर लटक जाता है और बेचारा शेर करे भी तो क्या करे। बंदर को पकड़ने के चक्कर में बेचारा काफी ऊपर तक चढ़ तो जाता है, लेकिन बेचारे की पैर फिसलने के कारण उसकी वहीं से ऐसा गिरता है कि कुछ देर गिरने के बाद कुछ देर नीचे सोता है कि काश मैं बंदर के पीछे नहीं पड़ता। दोस्तों इस क्लिप में देख सकते हैं ये टाइगर किस तरह से ये जंगली भैंस का शिकार करने निकला है और कितना शातिर से जंगली भैंस का पीछा करता है ये टाइगर और एक ही छलांग में जो है जंगली भैंस का गर्दन पकड़ लेता है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि टाइगर कितना बहादुर होता है दोस्तों। इस टाइगर ने तो इस भैंस की जान ले लेता है और जैसे ही भैंस मर जाती है उसको छोड़कर और दूसरे शिकार पे चल देता है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये टाइगर भैंस को मारकर और दूसरे शिकार पे चला गया है और आराम से छुपा हुआ है, एक पत्थर के बीच में बैठा हुआ है और जैसे उधर से इम्पाला के झुंड उधर से जैसे दौड़ता हुआ आता है उसमें इतना तेजी से उस एक इम्पाला को पकड़ लेता है दोस्तों और उसका गर्दन पकड़ करके और नीचे गिर जाता है। देख सकते हैं जंगली कुत्ते के बीच फंस गई है और ये कुत्ते को धक के दबोचती है जब तक सारे कुत्ते इसके ऊपर भिड़कर हमला कर देते हैं दोस्तों। अब ये शेरनी तो यहाँ फंसी हुई रहती है, सोचती है हम यहाँ से कैसे निकले और जंगली कुत्ते इसको कोई इधर से वाइड करता है कोई इधर से वाइड करता है, ये परेशान हो जाती है दोस्तों और लास्ट में वहाँ से अपना भागने में ही भलाई समझती है। पर कुत्ते भी इतना आसानी से जाने नहीं देते हैं दोस्तों, सारे कुत्ते भिड़ कर इसको इधर उधर नोचने लगते हैं। अब शेरनी करे भी तो क्या करे, वहाँ से ना तो भाग सकती है और ना ही वहाँ आराम से बैठ सकती है क्योंकि ये कुत्ते जब एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा। अगले क्लिप में देख सकते हैं किस तरह से इस इम्पाला पे ये सारे कुत्ते जंगली कुत्ते का झुंड जो है इसके ऊपर लगा हुआ है दोस्तों और पानी में जाने के बाद भी इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इम्पाला बहुत कोशिश करती है जंगली कुत्ते को भगाने के लिए, लेकिन ये सारे कुत्ते मिलकर न इसका पिछवाड़ा नोचने पर लगे हुए हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये इम्पाला वहाँ से बच के नहीं निकल पाती। दोस्तों अगले क्लिप में देख सकते हैं इस सांप के पीछे किस तरह से ये जंगली बिल्ली पड़ी हुई है दोस्तों, पर इसको पता नहीं होता है कि अगर एक बार ये डंक मार दिया तो हमारा जिंदगी जो है झंड हो जाएगा दोस्तों। ये जंगली बिल्ली काफ़ी कोशिश करती है सांप को मारने के लिए, लेकिन ये सांप जो है इतना जहरीला है कि इसको भी पता है, इसलिए ये अटैक नहीं कर पाती है और वहाँ से अपना भागने में भलाई समझती है दोस्तों। अगले क्लिप में देख सकते हैं ये एक इम्पाला को किस तरह से ये सारे कुत्ते मिलकर और चीर फार करते रहते हैं। इतने में एक तेंदुआ जो है वहाँ पहुँच जाता है और ये सारे कुत्ते उसको छोड़कर दूर भाग जाते हैं और ये फटाफट तेंदुआ उसका शिकार चुराकर और तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है दोस्तों। तो इस चीता को आप जान सकते हैं और सारे जंगली कुत्ते दूर से ही भौंकते रहते हैं। ग्रुप का एक बंदा इनका चला गया, इसके वजह से ये सारे भौंकते रहते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बबून बंदर जो है इस शेरनी का शिकार होने वाला है।
दरअसल बंदर को ध्यान नहीं था कि पीछे से भी कोई आ रहा है, और ये बबून बंदर को ये शेरनी पीछे से आराम से जाकर इसको पकड़ लेती है। ये सारे बबून मिलकर हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये शेरनी इसको लेकर चले जाते हैं यहाँ से और मार डालती है उसको। इस रोड के किनारे देख सकते हैं एक भैंस के ऊपर कितनी सारी शेरनियाँ लगी हुई है। आखिर में इस भैंस को अपना हार मानना ही पड़ता है, अपना जान गंवाना पड़ता है दोस्तों। और इसको खाना चालू कर देते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं एक जेबरा का कुछ शेरनी मिलकर शिकार करती रहती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाथ अपना हिस्सा मांगने एक चीता गलती से पहुँच जाता है वहाँ पे, और बेचारे उस जेबरा को छोड़ के इन चीते का हाल खराब कर देते हैं ये सारे शेरनी मिलकर। और दोस्तों शेरनी इस चीता को मार डालती है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।